नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, राहुल गांधी के मामले में सचिन पायलट का देखिए बड़ा प्रहार आ चुका है। जी हां, उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर ताना मारा है और उनको चेतावनी दे दी है एक तरह से। क्या खबर है? खबर यह कि राहुल गांधी की सदस्यता जब से गई है, उनको जेल हो चुकी है, 2 साल की सजा हो चुकी है, तब से देखिए कांग्रेस जो है वो काफी मुखरता से बोल रही है भाजपा के सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ और उनकी जांच एजेंसियों के खिलाफ। अब इस कड़ी में सचिन पायलट का नाम भी काफी आ रहा है। सचिन पायलट ने आज ही देखिए ट्वीट करके राहुल गांधी के लिए काफी अच्छे शब्द बोले हैं और भाजपा के खिलाफ बोला है। देखिए मैं ट्वीट आपको दिखाना चाहूंगा, ट्वीट मेरे सामने है। ट्वीट में उन्होंने क्या बोला है मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय लोकतंत्र के लिए आज शर्मनाक दिन है, यानी कि जो भारतीय लोकतंत्र है उसको खत्म करने की साजिश जो कांग्रेस बोलती रहती है वो हो रही है। और तो और देखिए आप बोला है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त करके भाजपा ये ना समझे कि जनता की आवाज उठाने से उनको रोक देगी, यानी कि राहुल गांधी को रोक देगी, ऐसा ना समझे भाजपा। और उसके बाद देखिए लास्ट लाइन लिखी है कि हम जनता के लिए और सच के लिए आवाज उठाते रहेंगे, यानी कि कांग्रेस जो है वो लगातार जनता के लिए आवाज उठाती रहेगी, यानी कि भाजपा के खिलाफ बोलती रहेगी। ये देखिए सचिन पायलट का ट्वीट आया है, क्योंकि राजनीतिक संकट राजस्थान में आप सभी को पता है, हमने काफी खबर करी उस पर कि सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत जो चल रहा था वो काफी हो रहा है। अब अशोक गहलोत को सीएम उम्मीदवार बना ही दिया गया है, देखिए जो सल चुने पाएंगे, तो सचिन पायलट जो है वो प्रमुखता से अपना कांग्रेस के लिए राजस्थान में काफी काम कर रहे हैं। और अब जब राहुल गांधी का मामला जो आया है उस पर सचिन पायलट देखिए भाजपा के खिलाफ एक रणनीति बना रहे हैं। देखने वाली बात है कि आखिरकार सचिन पायलट के साथ और कौन कौन से देखिए बड़े नेता शामिल होते हैं इस रणनीति में, और राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर अब हायर कोर्ट में जब अपील होगी तो उसका फैसला क्या आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल।